हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोकसभा के लिए प्रथम आम जो चुनाव था, निर्वाचन हुआ था। भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्तियाँ करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। भारत सरकार का प्रथम न्यायिक जो अधिकारी होता है, जिसे विधिक अधिकारी कहते हैं, वो कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी, और इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कहेगा तो 12 है, जब संविधान सभा लागू हुआ था उस समय 8 थी। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो वो हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। इनको निर्विरोध चुना गया था। आगे देख लेंगे संविधान में भारत की क्या व्याख्या है। तो राज्यों के संघ के रूप में शक्ति पृथक्करण का महत्वपूर्ण लक्षण है, ये किसका है? तो राष्ट्रपति शासन का। शक्ति पृथक्करण का महत्वपूर्ण लक्षण किसका है? तो राष्ट्रपति शासन का। कौन सा संशोधन पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो जो दल बदल कानून है, ये लाया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था दल बदल कानून, जिसे पक्ष परिवर्तन भी कहते हैं। दमन और दीव को कौन अलग करता है? तो ये अलग करता है खंभात की खाड़ी। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो ये संबंधित है अवशिष्ट पर्वतों से। छोटा नागपुर पठार कैसा पठार है? तो ये स्थलीय प्राय भूमि पठार है, और ये किस राज्य में पाई जाती है? तो छोटा नागपुर के पठार जो है, ये झारखंड राज्य में पाई जाती है। किस झील का पानी भारत में सबसे अधिक खारा है? तो सांभर झील का। सांभर झील स्थित है राजस्थान में। सागर में भारतीय सार्वभौमित्व कितनी समुद्री मील तक है? यानी भारत के जो क्षेत्र है, कितनी समुद्री मील तक है? तो 12 समुद्री मील तक, जिसे नॉटिकल मील भी कहते हैं। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। कितना होता है? 1852 मीटर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग था, जो क्या कहलाता है? तो गोंडवाना महाद्वीप। उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का कारण क्या है? तो अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाता है। उत्तरी भारत की तराई क्षेत्र में सतही जल की अति प्रचुरता होने का कारण क्या है? तो अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जो जल है फैल जाता है। हाजीपुर किस नदी के किनारे है? तो हाजीपुर जो है, ये गंडक नदी के किनारे है। गंडक परियोजना कहेगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। पाक जल डुमरू माध्य कहेगा भारत को किससे अलग करती है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेफा किसका पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश राज्य का पुराना नाम हो जाएगा नेफा। ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर किसे भारतीय मानक समय माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। जो भारत के मानक समय है, ये ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। आगे देखेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो जो बिहार की अर्थव्यवस्था है, ये आधारित है कृषि पर। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकांक कौन सा है? तो ये हो जाएगा GDP। अबकारी शुल्क कर क्या है? तो व्यापार सामग्री के उत्पादन पर अबकारी शुल्क लगाया जाता है। IDBI, जिसे भारत का औद्योगिक विकास बैंक कहते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका नाम क्या दिया गया था? तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। तो भारतीय स्टेट बैंक के गठन हुआ था 1955 में, और इम्पीरियल बैंक के गठन हुआ था 1921 में। MSEA क्या है? MSEA मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन है। मॉडवेट क्या है? तो मॉडवेट एक अप्रत्यक्ष कर है। भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है? तो रेशम उद्योग। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभावना वाले प्रतिबंध को रखना।
भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्वीकरण के कोहराए की तात्पर्य क्या है? तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभावना वाले प्रतिबंध को रखना। कौन संगठन स्थलकृतिक सीटों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? तो ये सर्वे ऑफ इंडिया। अरावली पर्वत समूह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प से। और अरावली जो पर्वत है ये सबसे पुरानी पर्वत है जिसकी ऊंची चोटी होती है गुरु शिखर। ऊंचाई कहेगा तो 1722 मीटर हो जाएगा। त्रिभुवन राजमार्ग जो नेपाल के काठमांडू से शुरू होता है वह भारत से कहाँ जुड़ता है? तो ये भारत से पूर्वी चंपारण में जुड़ता है त्रिभुवन राजमार्ग जो कि नेपाल के काठमांडू से शुरू होता है। कौन सा क्षेत्र गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में तराई क्षेत्र स्थित है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, जब गंगा गंगोत्री हिमनद से पिघलकर हिम गुफा गोमुख में पहुंचती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे भागीरथी के रूप में जाना जाता है। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? तो ये किए थे रखालदास बनर्जी 1922 में। आगे देखेंगे, महान भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य ने किसका प्रचार किया था? तो अद्वैत दर्शन का। इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? जो इलाहाबाद के स्तंभ है, स्तंभ शिलालेख, उसमें हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। अशोक महान किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा थी और इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अशोक के पिता कहेगा तो बिंदुसार थे। बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। और अशोक के उत्तराधिकारी कहेगा तो ये हो जाएंगे कुणाल। कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। आगे देखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था, यानी कि हराया था? तो ये हराया था नर्मदा नदी के तट पर। और वही पुलकेशिन द्वितीय को कहेगा किसने हराया था? तो ये हराए थे पौलव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अशोक महान का दूसरा नाम क्या था? तो अशोक महान का दूसरा नाम हो जाएगा प्रियदर्शी। वातापी किनकी राजधानी थी? वातापी कहेगा तो चालुक्य वंश की राजधानी थी। चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। हम लोगों ने भाग्य से मिलन स्थान बना लिया है, यह किनका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फरिश्वन रात रेणु हो जाएंगे। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है केरल में। हड़प्पा सभ्यता में औजार और अस्त्र मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? तो तांबा, टीना और कांसे से। आगे देखेंगे, कौन ब्राह्मणवादिनी थी तथा वेदों के कुछ श्लोकों की रचना भी की थी? तो ये हो जाएंगी लोपामुद्रा। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या था? तो ये अग्नि का प्रयोग पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। कृषि और पहिए का आविष्कार कहेगा तो नवपाषाण काल में हुआ था। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो थायराइड या ऑटो ग्रंथि हो जाएगा। थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये स्त्राव होता है थायराइड ग्रंथि से। और मानव शरीर के ऐसे कहेगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यह हो जाएगा यकृत। और सबसे बड़ा अंतःस्रावी मानव शरीर में हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो रेडियम प्राप्त होता है पीच ब्लेड से। जल में घुलते समय CO2 गैस क्या उत्पन्न करती है? तो यह दुर्बल अम्ल उत्पन्न करती है। सिरिका किसका व्यापारिक नाम है? तो सिरिका एसेटिक अम्ल का व्यापारिक नाम है। द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस पुस्तक किसने लिखा है? तो चार्ल्स डार्विन ने। और प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत भी कहेगा तो चार्ल्स डार्विन ने ही दिए थे। और वही कहेगा उत्तरजीविता के सिद्धांत भी कौन दिए थे? तो चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत और उत्तरजीविता के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन दिए थे। और द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस पुस्तक के लेखक भी चार्ल्स डार्विन है। आगे देखेंगे, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है? तो ये निम्न तापमान से। प्रकाश का तरंगी सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंसबर्ग दिए थे। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो किसमें एक समान चलेगा? जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो किसके एक समान चलेगा? तो ये तरंग के एक समान चलेगा।
प्रकाश की जो गति न्यूनतम होती है ये किस में होती है, तो कांच में। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा, तो पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा, यानी कि पहले कम होगा उसके बाद बढ़ेगा। आगे देखेंगे किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर कैसे उठता है, तो ये इसका कारण हो जाता है कोशिका क्रिया के कारण, यानी कि कोशिकत्व के कारण। मोटर कार में पाश्चात्य दृश्य के लिए यानी कि पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, और जो हेड मिरर होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। त्वरित चालक किससे निर्मित होता है, जो त्वरित चालक है ये निर्मित होता है तांबा से, और ये बड़ी जो इमारत होता है उसके सुरक्षा के लिए बिजली गरजने से सुरक्षा करता है। पदार्थ का लघुतम अंश कहेगा क्या है, तो क्वार्क हो जाएगा। ईईजी का प्रयोग किस व्याधि के निदान के लिए होता है, तो मस्तिष्क में, और ईसीजी के प्रयोग होता है हृदय में। रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो हेनरी बेकुरल। वैद्युतिक स्त्री में अभ्रक का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि यह ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होते हैं, यह ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होते हैं। आगे देखेंगे भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, भगवान बुद्ध के जन्म कहेगा तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कौन शासक प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा करता था, तो ये था हर्षवर्धन, और इसका कहेगा उपनाम किया था तो शिलादित्य। कुषाणों का मूल आवास से कहाँ पे था, तो चीनी तुर्किस्तान में। भारत में प्रथम अफगान वंश का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा बहलोल लोदी, और ये लोदी वंश के संस्थापक थे। वही कहेगा कि संतरत काल में सबसे अधिक दिन तक शासन करने वाले शासक कौन थे, तो ये हो जाएंगे बहलोल लोदी। भारत में किस क्षेत्र में फिरदौसी क्रम का सुपमित जनप्रिय था, यानी कि जो फिरदौसी क्रम था ये कहाँ पे प्रसिद्ध था, तो बिहार में। आगे देखेंगे मदुरई किसकी राजधानी थी, तो ये पांडवों की राजधानी थी। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था, तो ये था टोडरमल के हाथ में। 1790 ईस्वी के तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान किससे हार गए थे, तो ये लॉर्ड कार्नवाली से हार गए थे, और श्रीरंगपट्टनम के जो संधि हुआ था 1792 में हुआ था। बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में किस रूप में महत्व रखता है, तो एक शिक्षा केंद्र और एक धार्मिक केंद्र के रूप में ये महत्व रखता है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो 1917 ईस्वी में, और यहाँ पे महात्मा गांधी को आमंत्रित करने वाला व्यक्ति कहेगा कौन थे, तो राजकुमार शुक्ल थे। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम जो समाचार पत्र था ये कौन सा था, तो बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन किए थे जेम्स ए ही की 1780 ईस्वी में। महात्मा गांधी संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र कौन था, तो यंग इंडिया, और इसका साप्ताहिक प्रकाशन होता था 1919-1931 तक। कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी था, तो जो शाहनवाज थे ये आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत यानी कि आज़ाद हिंद का अंतकालीन सरकार के गठन को कहाँ उद्घोषित किया था, तो ये घोषणा किए थे सिंगापुर में, और यहाँ से सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिए थे 1943 में सिंगापुर से। आगे देखेंगे गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया, तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। समाज सेवा के अलावा महादेव गोविंद नायडे ने किसका समर्थन किया था, तो ये संवैधानिक माध्यमों के जरिए शांतिपूर्ण उन्नति का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन कह रहा है कि कब और कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था लंदन में 12 नवंबर 1930 में। किस क्षेत्र में संथालों ने 1855-56 में अपने स्वशासन की उद्घोषणा की थी, तो ये किए थे भागलपुर और राजमहल क्षेत्र में, और जो संथाल विद्रोह था इसका नेता कहेगा तो ये सिद्धू और कानू थे। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, नेता कहेगा तो सिद्धू कानू हो जाएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमाओं में कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो ये हो जाएगा अरावली, और ये सबसे पुरानी पर्वत है, और इसकी सबसे ऊँची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर, ऊँचाई 1722 मीटर। त्रिवेणी जो नहर है किस नदी से जुड़ी हुई है, तो ये गंडक नदी से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण हिमाचल प्रदेश में हुआ था 1914 में।
काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है असम में और ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडा के लिए। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और विश्व में कहेगा कि शक्कर का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो क्यूबा को। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह डेयरी विकास यानी कि दूध के विकास से। भारत में मीठी पानी की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। वैसे भी भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य कहेगा तो पश्चिम बंगाल ही है। कौन बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा कांडाला। इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं और ये गुजरात में स्थित है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएँ कौन कौन देश से लगती है? तो भूटान, चीन और म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है ये कौन कौन देश के साथ लगती है? तो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? तो ये प्रसिद्ध है पलामू और ये झारखंड में है। भारत का एकमात्र स्थान कौन सा है जहाँ टीन पाया जाता है? हजारीबाग, झारखंड। भारत सरकार द्वारा किस साल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना चालू की गई थी? 1984 ईस्वी में। काला धन के उन्मूलन के लिए उपाय का सुझाव देने हेतु किसका गठन किया गया था? काला धन के उन्मूलन के लिए उपाय का सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो चेलिया समिति। एक्चुअली ये चेलिया समिति है जिसका गठन हुआ था 1991 ईस्वी में, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी तो 1993 में पेश की थी। आगे देखेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP किसका मुद्रा मान है? तो अर्थव्यवस्था में वार्षिक उत्पन्न अंतिम वस्तु एवं सेवा का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP किसका मुद्रा मान है? तो अर्थव्यवस्था में वार्षिक उत्पन्न अंतिम वस्तु एवं सेवा का। किसकी एक असदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाती है? तो जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो इसकी सदस्य नहीं होते, यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। कया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 64 के तहत। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह है वित्त आयोग के पास, जिसका प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो KC नियोगी थे, गठन हुआ था 1951 में। अखिल भारतीय सेवाओं का नियुक्तियाँ कौन करती है? तो ये करता है UPSC। UPSC गठन 1926 में हुआ था अधिनियम 1919 के तहत। पंचायती राज संस्थान के लिए अधिकतम आय का स्रोत क्या है? सरकारी अनुदाने। आगे देखेंगे, भारत के संविधान ने किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग को अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 324, भाग कहेगा तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है और गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग के गठन 25 जनवरी 1950। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है कब चलती है? तो ये चलती है मई सितंबर में। नियत बल के अंतर्गत एक पिंड नियत त्वरण अनुभव करता है तो पिंड की शक्ति क्या होगी? समय के साथ एक समान बढ़ता है। नियत बल के अंतर्गत एक पिंड नियत त्वरण अनुभव करता है तो पिंड की शक्ति क्या होगी? तो समय के साथ एक समान बढ़ता है। दो बूंदों को एक बूंद में बदलने के लिए एक दूसरे को मिला दिया जाता है, इस प्रक्रिया में क्या होती है? तो ऊर्जा मुक्त होती है। आगे देखेंगे, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जो AC को DC में बदलता है ये हो जाएगा रेक्टिफायर। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। एक दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है? तो न्यूनतम जो तरंगदैर्ध्य होता है बैंगनी का होता है। सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट किस तापक्रम पर समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इस तथ्य को सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था? तो ये किए थे कोपरनिकस, और ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सौरमंडल के खोज किए थे 1540 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, मानव निर्मित तीव्र प्रकाश स्रोत का अच्छा उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा लेजर। प्रकाश का प्रति सेकेंड लगभग कितना वेग होता है? तो प्रकाश के चाल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये निर्वात में होता है। थर्मस में यानी कि निर्वात फ्लास्क में तरल गर्म क्यों रहते हैं? क्योंकि चालन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा हानियों को अधिक मात्रा में रोक दिया जाता है।
चांद का कोई वायुमंडल क्यों नहीं होती है? तो सभी गैसों का वर्ग मध्य वेग चांद की सतह इनके पलायन वेग से अधिक है। कह रहा है कि चांद का कोई वायुमंडल क्यों नहीं होती है? तो सभी गैसों का वर्ग मध्य वेग चांद की सतह इनके पलायन वेग से अधिक है। आगे देखेंगे किसी वाहन में बॉल बेयरिंग का व्यवहार क्या होता है। तो घर्षण कम करने के लिए किसी वाहन में बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। संगीत ध्वनि एवं स्वर के बीच क्या अंतर होता है? संगीत ध्वनि एवं स्वर के बीच पिच में अंतर होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, एक पानी का बुलबुला क्यों चमकता है? तो पानी का जो बुलबुला चमकता है इसका कारण होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तापक्रम बढ़ने के साथ ध्वनि की गति पे क्या होगी? तो ताप बढ़ने से ध्वनि की जो गति होती है बढ़ती है। जल में लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि हम जल गर्म करें तो लकड़ी का टुकड़ा का क्या होगा? जल गर्म करने पर लकड़ी का जो टुकड़ा होगा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। कौन सी गैस फुटबॉल ब्लैडर से सबसे शीघ्र निकलेगा? तो H2। चीज किसका उदाहरण है? चीज उदाहरण है जेल का। दिसंबर 1984 में भोपाल में दुखद घटना के लिए उत्तरदायी जहरीली गैस कौन सी थी? तो ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका सूत्र होता है CH3NCO। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित अणुओं की कुल संख्या कितनी है? तो 6.023×10^21 परमाणु। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं आबंध ऊर्जा वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला हैलोजन क्या है? तो ये हो जाएगा क्लोरीन। पैरासीटामोल क्या है? तो पैरासीटामोल जो है एंटीपायरेटिक है। सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या है? तो NaAlO2। सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र हो जाएगा NaAlO2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2 सूत्र हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करने के बाद उत्पन्न किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जिप्सम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट ½H2O, और वही जिप्सम के सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट ½H2O। आगे देखेंगे, अल्कोहलीय पेय में क्या होता है? तो अल्कोहलीय पेय में होता है इथाइल एल्कोहल। मृदु पेय में दाब के अंतर्गत कौन गैस उपस्थित रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्लोरीन के द्वारा। किस विलायक का प्रयोग कपड़ों को शुष्क धुलाई के लिए किया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग कपड़ों को शुष्क धुलाई में किया जाता है। आयोडीन कृत लवण में क्या रहता है? तो आयोडीन कृत लवण में कहेगा तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्रतर जो कदम क्या निश्चित करता है? तो बृहत्तर प्रतिक्रिया बल। यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर जी का आभासी मान क्या होगा? तो कुछ स्थानों पर बढ़ेगा एवं अन्य कुछ स्थानों पर एक सा रहेगा। हाइड्रोजन अणु में कौन सा अबंध उपस्थित रहता है? हाइड्रोजन अणु में कहेगा तो ससंयोजक बंध उपस्थित रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है जिप्सम से। गोबर गैस में मुक्त क्या होता है? तो गोबर गैस में मुक्त मीथेन गैस उत्पन्न होता है, और धान के खेत से भी मीथेन गैस उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे, सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसके लिए होता है? तो किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारण करने के लिए सेलिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की उद्देशिका किससे शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से। स्वतंत्रता के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? सन 1963 में, और ये लाए थे JB कृपलानी नेहरू के, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ है। BCCI का यानी कि BCCI का तात्पर्य क्या है? तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। BCCI का गठन जो हुआ था 1928 में हुआ था, मुख्यालय मुंबई है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, यानी कि सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन कहेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा।
पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो यह हो जाएगा प्लाज्मा। दूरबीन से जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक देखे थे और कोशिका के खोज किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में मृत कोशिका के, और जीवित कोशिका के खोज कहेगा तो लीमेन हॉक किए थे। क्षुद्रतम जीवित कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा की। क्षुद्रतम जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा की है। कौन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है? तो शुगर फास्फेट्स माइटोकॉन्ड्रियल में नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा फूल कहेगा कौन सा है? तो रेफलेसिया। और पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे छोटा फूल कहेगा तो बुल्फिया हो जाएगा। पाश्विक मूलों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पाश्विक मूलों की उत्पत्ति होती है परिरंभ से। किसी मूल में संवहन पुल क्या है? तो यह है अरीय। किसी मूल में संवहन पुल कहेगा तो यह है अरीय। आगे देखेंगे जीरोथैलमिया किसका कमी से होने वाली बीमारी है? तो विटामिन ए के कमी से होने वाली बीमारी हो जाएगा जीरोथैलमिया। टाइलिन किस पर कार्य करता है? तो यह होता है कार्य करता है कैसिनोजन एवं माल्टोज पर। कैसिनोजन एवं माल्टोज पर टाइलिन निकलता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ मिलता है? तो लार में। हेप्रिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हेप्रिन का निर्माण होता है रक्त कोशिकाओं द्वारा। जोंक जोंक क्या है? तो जोंक हो जाएगा सेंगुई बोरस। जोंक हो जाएगा सेंगुई बोरस। और जोंक और जो केचुआ है ये किस संघ के प्राणी है? तो एनिलिडा संघ के। व्यक्तित्व वृत्त यानी कि जाति वृत्त को दोहराता है इसे किसने कहा था? तो जो व्यक्तित्व वृत्त है ये जाति वृत्त को दोहराता है इसे किसने कहा था? तो इसे कहे थे अर्नेस्ट हेकल ने। और पहली बार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग भी अर्नेस्ट हेकल किए थे। भिन्न प्रजातियों से अंग का प्रतिरोपण क्या कहलाता है? एलोग्राफ्ट। भिन्न प्रजातियों से अंग का प्रतिरोपण क्या कहलाता है? एलोग्राफ्ट। ये बिहार में पूछे जाने वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि थोड़ा डिफरेंट है और बार बार वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएगा। आगे देखेंगे ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? तो विटामिन डी के कमी से। मानव शरीर का सबसे संकुचनशील अंग क्या है? तो ये हो जाएगा आयरिस। और ये आँख में जाने वाली प्रकाश को नियंत्रित करती है। मानव आँख किस प्रकाश के प्रति संवेदनशील है? तो ये लाल प्रकाश के प्रति मानव की जो आँख है संवेदनशील है। बायोप्सी किया है तो कोशिका एवं ऊतकों के प्रयोग कर एक औषधीय निदानात्मक तकनीक है। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन यानी कि ECR का मुख्यालय कहेगा तो हाजीपुर में है। नारियल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो एंडोस्पर्म या भ्रूण। आगे हो जाएगा भूमि का उपविभाजन एवं विखंडन का परिणाम क्या है? तो गैर अर्थशास्त्रीय ज्योत। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। पद ग्रैंड असलैम किससे संबंधित है? ग्रैंड असलैम का संबंध हो जाएगा टेनिस से। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? बड़ी इलायची है इसका उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा सिक्किम, और छोटी इलायची के उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल हो जाएगा, और मसाला के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य हो जाएगा केरल। भारत में अधिकतम खाद्य तेल का उत्पादन किससे होता है? तो ये होता है मूँगफली से। आगे हो जाएगा रबड़ का रोपण भारत में कहाँ पे किया जाता है? तो रबड़ का रोपण होता है केरल तथा कर्नाटक में। कौन सा तट मसाला उत्पादक है? तो ये हो जाएगा मालाबार तट, जो कि पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है। भारत में फसल के प्रकार को किस प्रकार निर्धारित किया गया है? तो वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिला को फूलों की घाटी कहते हैं, यानी यहाँ पे फूलों की घाटी पाई जाती है। कौन सी कृषि जोत भारत में बृहत्तम प्रतिशत में है? तो ये छोटा जोत भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में बृहत्तम तिल का उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश। सीढ़ीदार खेती है ये विस्तृत रूप से कहाँ पर होती है? तो ये होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। और कल एक क्वेश्चन जो कहेगा कि ऑल इंडिया
ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन जो था कल बुलाया गया था 1936 में, जो कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1936 होगा, जिसका अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1920 में हुआ था और उसका अध्यक्ष कहेगा तो लाला लाजपत राय थे। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।